My name is Shaikia, General Secretary NFL Employees Union and Joint General Secretary NFL. विगत दिनों में कुछ पेंशन स्कीम का नया पेंशन स्कीम जो सरकार ने एग्री किया उसको लेके कुछ कंफ्यूजन है। इसी के लिए हम लोग ने एनएफ में कुछ दौरा किया, एनएफ में कुछ प्रोग्राम किया, लेकिन एनएफआर का तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए हम लोग ने अभी दिल्ली पहुंचा और सर से हम लोग बात करेंगे। लेकिन पेंशन स्कीम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यू पेंशन स्कीम जिसका नाम है नो पेंशन स्कीम हम लोग बोलते हैं, और इसको हटाने के लिए हम लोग ने 20 साल लड़ाई किया, और 20 साल लड़ाई के बाद हमने सरकार को हम लोग ने बोला था कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस लागू करना चाहिए, और कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू भी किया था, लेकिन हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा और रेलवे के लिए हम लोग ने ओपीएस मांगा था, लेकिन 24 अगस्त 2024 में जीएसएनएफआर और हम लोग को जेसीएम कंस्टिट्यूएंट को सरकार ने बुला के एक नया पेंशन नीति घोषणा करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2025 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने का मतलब बात किया। लेकिन हम लोग ने जो नया पेंशन नीति सरकार ने घोषणा किया उसका हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो यूपीएस है। हमने मांगा था ओपीएस, लेकिन सरकार ने यूपीएस दिया, इससे रेल कर्मचारी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि एनपीएस एंड यूपीएस बोथ आर बोथ पेंशन में बोथ आर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड ओपीएस इज नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो हम लोग सारे फैसिलिटी ओपीएस का जितना सारे फैसिलिटी है ओपीएस जैसे है वो पेंशन स्कीम हम लोग को सही है, मतलब वी वांट ए पेंशन स्कीम व्हिच इज नॉन कंट्रीब्यूटरी। जैसे एनपीएस और यूपीएस इज ए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, वो हम लोग को नहीं चाहिए, हमें नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन सरकार ने यूपीएस दिया वो लेके हम लोग रेल कर्मचारी एनएफएल में सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग ने 1400 किलोमीटर मैंने बाइक रैली करके दौड़ा किया, 10,000 लोगों से मुलाकात किया, 100 से ऊपर स्टेशन में हम लोग ने विजिट किया, और सारे स्टाफ को हम लोग ने हमारा जो स्टैंड है एम्प्लॉयज यूनियन का जो स्टैंड है और एनएफआर का जो स्टैंड है ये हम लोग ने बताया, और हम लोग का स्टैंड यही है कि इन प्लेस ऑफ यूपीएस हमें ओपीएस चाहिए, और ओपीएस सरकार को दिलाने के लिए जो संग्राम हम लोग का करना है ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और सार से हम लोग सार भी क्लेरिफाई बहुत जगह पे किया है, अभी हम लोग का सामने भी सार ने ये बातें हम लोग ने डिस्कशन किया था, अभी सार भी रिगार्डिंग ओपीएस सर बताएंगे, जिसे रेल कर्मचारी ने ओपीएस मांगा सार भी इसको बताएंगे। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी एवं एनएफआर का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मनीन सैकिया जी ने एनएफआर का कमिटेड डिमांड ओपीएस रिस्टोरेशन के लिए और 24 अगस्त 2024 का परिणाम यूपीएस भारत सरकार का अनाउंसमेंट संबंधित इश्यू पे आज एनएफआर से क्लैरिफिकेशन के लिए इंटरेक्ट किया। मैं एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का कंसेप्ट को मानता हूँ, एनएफआर का कमिटेड स्टैंड है ओपीएस बेनिफिट्स 100% मिलना चाहिए, ये एनपीएस में परिवर्तन लाना पड़ेगा, एनपीएस को अमेंडमेंट कराने के लिए हम डिमांड किया। हमारा मेन पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉन कंट्रीब्यूटरी कंसेप्ट लाने के लिए हम सजेशन दिया भारत सरकार को, यूपीएस नॉट सेलेबल, यूपीएस यूनिवर्सली पॉपुलर स्कीम है, इसमें अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, ओपीएस बेनिफिट्स का इक्वल देने से कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे, ये बात हम बोले। और दो रेल मंत्री का जो प्रपोजल थी रेलवे के वर्किंग के बारे में और यूनिकनेस के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, आरडीएस के बारे में, हजार्डस ड्यूटी के बारे में, और कितने लोग मरते हर दिन ड्यूटी पे, ये दो रेल मंत्री ने भारत सरकार को लिख के जस्टिफाई किया रेलवेज में ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए, वो जस्टिफाई किया, वो दो चिट्ठी पे सरकार रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हम क्लियरली एक्सप्लेन किया एनपीएस यूपीएस ये पॉइंट नहीं, ओपीएस का बेनिफिट पूरा बेनिफिट कर्मचारी को मिलना चाहिए, ये स्टैंड लेके एनएफआईआर अगले संघर्ष करेगी,
हमारा ये स्टैंड पे डाइल्यूशन नहीं होगी। सब तन और मन लगा के हम सब तन और